हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता आपकी गार्डनर फ्रेंड आज आपसे इस बेस्ट एवर ग्रीन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ। इसको फ्रेंड्स आप लोग पहचान ही गए होंगे, क्या बोलते हैं इस प्लांट को, बोलते हैं फ्रेंड्स टिकोमा फ्लावरिंग प्लांट। टिकोमा बोलते हैं इसको, येलो बेल्स प्लांट बोलते हैं, और गोरी चोरी का पौधा बोलते हैं। फ्रेंड्स ये एक परमानेंट प्लांट है फ्रेंड, अगर आप इसको एक बार अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये बना रहता है। ये फ्रेंड्स गोरी चोरी का जो पौधा है फ्रेंड्स, ये कम मेंटेनेंस में ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। अभी तो फ्रेंड्स मेरा प्लांट बहुत छोटा है, मैं इसको क्योंकि अभी नर्सरी से लेकर आई हूँ, 2-3 दिन हुआ है मैंने इसको रिपोर्ट किया है, तो आज मैं आपसे इसकी केयर के बारे में बात करने वाली हूँ कि किस तरह से हम इसकी केयर करें कि इनसे हम अच्छी हैवी क्वांटिटी में फ्लावर ले सकते हैं। फ्रेंड्स इसको जब आप ये मुझे पौध मिली थी नर्सरी में फ्रेंड्स 20 रुपये की, और ये बहुत बेहतरीन, इसकी इमेजेस जब मैं ये लाई थी फ्रेंड्स, इसमें 2 फ्लावर खिले हुए थे, बट मैंने बताया ना कि अभी 3 दिन हुआ है मैंने इसको रिपोर्ट किया है, तो फ्लावर तो नहीं है। मैं इसकी इमेज आपको शो कर दूँगी तो आप देखिएगा उस पर, और ये बहुत बेहतरीन अच्छे से पूरे पूरे साल चलते हैं। तो जब आप इसकी मिट्टी बना रहे हों तो आपको मिट्टी में क्या करना है फ्रेंड्स, आपको उसमें लेना है एक हिस्सा आपकी अपनी गार्डन की सॉइल जो है, एक हिस्सा आपको इसमें लेना है खाद। खाद में आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर फुली डिकम्पोस्ट काउडंग खाद ले सकते हैं, और अगर दोनों ही नहीं है तो आप अपने किचन वेस्ट की भी खाद ले सकते हैं, और एक हिस्सा सैंड ज़रूर मिलाइए। सैंड के साथ अगर आप इसमें मिलाना चाहते हैं तो एक मुट्ठी तक आप इसमें कोको पीट मिला सकते हैं, तो उससे आपकी मिट्टी जो है वेल ड्रेन और प्लस हल्का सा मॉइस्चर को होल्ड करने वाली आपकी मिट्टी बन जाएगी। फ्रेंड्स जब अब आपको बात आती है कि इसका पॉट सिलेक्शन, आप इसका पॉट सिलेक्शन किस तरह से करें, तो इसके लिए फ्रेंड्स कोई बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। मेरा ये देखिए, ये मेरा 8 या 9 इंच का है ये पॉट, आई थिंक ये 10 इंच का है, नहीं ये 9 इंच का पॉट है मेरा। तो बस आप जब इसका पॉट सिलेक्शन करते हैं तो कोई बहुत बड़ा पॉट मत चूज़ करिएगा, बस इस तरह से रहे कि ये उसमें अच्छे से अपनी जो भी इनकी रूट्स हैं उनको ये फैला सके। लो मेंटेनेंस प्लांट है, मतलब मैंने जैसा कि आपको बताया तो आप समझ ही गए होंगे, कोई बहुत ख़ास केयर वाला प्लांट नहीं है ये आपका। वाटरिंग फ्रेंड्स इसमें आपको तभी करनी होती है जब इसकी टॉप लेयर ड्राई हो जाए, जैसे कि देखिए इस टाइम में मेरी ये टॉप लेयर ड्राई, तो इस जब आपको अगर इससे ज़्यादा फ्लावर चाहिए तो अगर आपने इससे ज़्यादा फ्लावर लेने का एक सीक्रेट है कि आप इसमें पानी तब दें जब इसका ऊपरी मिट्टी सूख जाए। ज़्यादा बार बार गीली मिट्टी में ही अगर आप बार बार इनको पानी देते रहे तो फिर ये अपनी ग्रोथ तो बहुत अच्छी करेगा, बहुत बढ़िया से चलता रहेगा, लेकिन फ्लावरिंग लिमिटेड कर देगा। और इसमें ऐसे बंचेज में एक एक गुच्छे में 20-20 10-10 फ्लावर ऐसे आते हैं, और जो कि बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। तो पानी का आपको बस ध्यान देना होगा। और रह गई बात फ्रेंड्स, आपको इसको हर महीने में बस आप एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ऐसे दे देंगे। मैंने तो अभी जैसा कि आपको बताया कि 3 दिन पहले ही इसको रिपोर्ट किया है, तो अभी मैं इसमें कोई ऐसी खाद नहीं दूंगी, बट हाँ बस थोड़ा सा कुछ ऐसा डालूंगी कि ये फ्लावरिंग भी करने लगे, क्योंकि बहुत छोटे से ही प्लांट से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। तो बस आपको ये है कि आप इसको हर महीने में एक मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट देते रहिए, और अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप काउडंग कंपोस्ट दे सकते हैं। और फ्रेंड्स इनको बार बार रिपोटिंग पसंद नहीं होती, इनकी अगर आप रिपोटिंग कर रहे हैं तो बस साल में एक बार आप इनको रिपोट कर दीजिए, निकाल के किसी बड़े गमले में शिफ्ट कर दीजिए। सनलाइट रिक्वायरमेंट की अगर फ्रेंड्स मैं बात करूँ तो इनको फुल सनलाइट पसंद है,
इनको, इन प्लांट्स को फ्रेंड्स फुल फुल सनलाइट पसंद है, लेकिन जैसे कि अभी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म वाला हो रहा है, तो अगर आप इनको फुल सनलाइट में रखते हैं, अगर ग्रीन नेट लगा रखा है आपने, तो उसको उसके नीचे आप इसको सारा दिन की सनलाइट में रख सकते हैं। और अगर ग्रीन नेट नहीं है आपके पास, तो आप इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर 3-4 घंटे की या फिर मॉर्निंग की धूप मिले या फिर इवनिंग की। सारा दिन की अगर आप अभी तेज़ धूप में रखेंगे तो ये अपनी लीफ को येलो करा के गिरा देगा। तो इनको सारा दिन वाली धूप तभी दीजिए जब ग्रीन नेट हो आपके पास। और विंटर जो है फ्रेंड्स, इन प्लांट्स का डोरमेंसी पीरियड होता है, मतलब ये जो समर का टाइम है, ये इन प्लांट्स का ग्रोइंग सीजन होता है। और बस इनकी प्रोपोगेशन भी बहुत इजी है। आप इनको मॉनसून के टाइम में, जब बारिश का टाइम होता है, इसकी एक पतली से पतली स्टेम, बस यहाँ से अगर आप कट करके इनके लीव सारी निकाल के, ऊपर के 2-3 छोड़ के, इनको बस आप नॉर्मल मिट्टी में लगा देंगे तो ये ईजिली प्रोपोगेट हो जाते हैं। इनकी प्रोपोगेशन बहुत ईजी है, और अगर आप इनकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहते हैं, तो फिर ये एक बड़ा पेड़ के तरह से ये बन जाता है। फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स, इसमें जैसा कि मैंने कहा कि आप इसमें वर्मी कंपोस्ट देते रहिए हर महीना, और मतलब जैसे हम लोग के हिबिस्कस प्लांट हो गए, रोज़ प्लांट हो गए, ये हैवी फीडर प्लांट्स होते हैं, तो इनमें हम लोग को टाइम टू टाइम ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये वाला जो फ्रेंड्स हमारा प्लांट है, ये कोई बहुत ख़ास फर्टिलाइज़र नहीं मांगता। तो बस इसमें फ्लावरिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि ये जो इनका, ये देखिए, ये बनाना पील फर्टिलाइज़र है। देखिए, मैं इसे बना के रख लेती हूँ किसी बड़े कंटेनर में, तो मुझे जब भी ज़रूरत होती है मैं इजीली यूज़ करती रहती हूँ। ये बनाना पील फर्टिलाइज़र है, इसको मैंने निकाल लिया। इसमें आधे से ज़्यादा प्लेन वाटर है, उसमें करीब 50 ml तक ये बनाना पील का वाटर मैंने पहले ही से निकाल लिया है। साथ में जैसे मैं आपको बताती हूँ, सिट्रेट फ्रूट्स जो भी होते हैं उनका वाटर मैं ऐसे बना के रख लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लेमन होता है ना, हमारा सिट्रेस्ट होता है, सिट्रेट फ्रूट होता है, तो ये इसका वाटर मैं लेमन यूज़ करने के बाद इनको एक शीशी में मैं रखती जाती हूँ। तो बस इसका 1 चम्मच के करीब, बस ये इसका, क्योंकि ये एसिटिक होता है, आपकी सॉइल को एसिटिक बनाता है और प्लांट्स को फ्लावरिंग पे ले आता है ईजली। बस इसका पानी हल्की सी मैं गुड़ाई करके, हल्की हल्की गुड़ाई करके, बस इस को बहुत डीप नहीं करना, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले मैंने इसको रिपोर्ट किया है नर्सरी से लाके, तो अभी तो इनकी जड़ वैसे भी नहीं बनी होगी। बस ये फ्रेंड्स मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये कितना ही छोटा प्लांट क्यों ना हो, ये ईजिली फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है, तो इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। और आई थिंक आफ्टर 15 डेज इसमें फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसको बुशी बनाने के लिए, इसकी देखिए, मैंने जो जो इसका ये टिप पॉइंट था, मैंने हर को कट कर दिया, जहाँ जहाँ से मैंने कट किया वहाँ वहाँ से फ्रेंड्स इसकी डबल डबल ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। एक मैं आपको नमूना दिखाई देती हूँ, ये देखिए, ये वाला पोर्शन देखिए, जहाँ पे मेरा ये है नेल है, ये देखिए मैंने यहाँ से कट किया था, और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी। यहाँ से देखिए इसमें लीव आना, इसका जो भी नोड एरिया है, ये देखिए, ये यहाँ पे इसने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है यहाँ से इसने। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इस तरह से इनकी हर जगह से इनकी टिप को पिंच कर दीजिए, जहाँ जहाँ से आप पिंच करेंगे वहाँ वहाँ से ये डबल डबल ब्रांचेस आना इसमें शुरू हो जाएंगी। बस कुछ नहीं करना है, इस तरह से हल्की गुड़ाई करने के बाद ये पानी बस मैं इसमें ऐड कर दूँगी, तो ये फ्लावरिंग पे भी आ जाएगा। बस फ्रेंड, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन टिकोमा प्लांट के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और हाँ, बेल बटन को प्लीज़ हिट करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे मेरी सभी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके फ्रेंड्स, बाय।